हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू लर्न माय ट्यूब चैनल। सो टुडे हियर वी विल डिस्कस द बेट्स एंड मेजरमेंट ऑफ अ नॉर्मल ऑर्गन्स। ओके, यू ऑल नो वेरी वेल वी हैव अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स। ओके, स्प्लीन है, किडनी है, ओके, एड्रेनल ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ओके, तो लंग्स है, हार्ट है, ओके, लीवर है। तो जितने भी ये सभी ऑर्गन्स हैं ना, ये सभी ऑर्गन्स मतलब ये एबनॉर्मल हैं या मतलब ये नॉर्मली बॉडी के अंदर सिचुएटेड हैं, इनको फाइंड आउट करने के लिए इनके वेट्स एंड इनके मेजरमेंट दैट नथिंग बट इनके डायमेंशन, इनका विड्थ कितना है, इनकी पर्टिकुलर थिकनेस कितनी है या फिर इनकी लेंथ कितनी है, ओके, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, मेजरमेंट बोलेंगे। तो अल्टीमेटली अगर हमें ऑर्गन्स के नॉर्मल वेट्स एंड नॉर्मल मेजरमेंट अगर पता होगा, ओके, तो अल्टीमेटली वी कैन डायग्नोस और वी कैन नो और वी कैन अंडरस्टैंड कि पर्टिकुलर ऑर्गन में कुछ तो प्रॉब्लम है। ओके, प्रॉब्लम डायग्नोसिस के लिए पर्टिकुलर ये मतलब इसको यूज़ नहीं करेंगे, बट पर्टिकुलरली कुछ तो है उस पर्टिकुलर ऑर्गन में, और इन्फेक्शन है या फिर पर्टिकुलर नेक्रोसिस है, जो भी कुछ है, फाइंड आउट करने के लिए हम वहाँ पे इनके वेट्स एंड इनके मेजरमेंट के थ्रू क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स नॉर्मल है या फिर वो एबनॉर्मल है, उसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ डाटा दिए गए हैं। ओके, तो अल्टीमेटली ये डाटा जो दिए गए हैं, ये पर्टिकुलरली एक फुल्ली डेवलप्ड मीडियम साइज जो इंडिविजुअल होते हैं ना, उनका यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, फुल्ली जो डेवलप्ड हो चुके रहते हैं, जो हेल्थी हैं, जो मीडियम साइज हैं, ओके, उन पर्टिकुलर एडल्ट का ये पर्टिकुलर क्या है, अप्रॉक्सीमेटली ये यहाँ पे कुछ डाटा कलेक्टेड है। ओके, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक कॉलम गया हुआ है, ओके, जो कि अल्टीमेटली रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मल हेल्थी न्यूबॉर्न का। ओके, तो अल्टीमेटली ये देखिए, एड्रेनल ग्लैंड का जो वेट होता है एक एडल्ट में 4 to 5 ग्राम होता है, और एट बर्थ, ओके, एट बर्थ दैट नथिंग बट नॉर्मल हेल्थी जो न्यूबॉर्न है, एट बर्थ उसका जो एड्रेनल ग्लैंड का जो वेट होता है वो 8 to 11 ग्राम होता है। ओके, यानी कि ज़्यादा होता है विथ आवर एडल्ट। ओके, देन नेक्स्ट अगर ब्रेन की अगर बात करें, तो ब्रेन अल्टीमेटली एक नॉर्मल एडल्ट मेल में अल्टीमेटली वो 1400 ग्राम का होता है, और नॉर्मल एडल्ट फीमेल में वो 1250 दैट नथिंग बट 1250 ग्राम अल्टीमेटली रहता है। ओके, और ड्यूरिंग या फिर एट बर्थ जो न्यूबॉर्न जो बेबीज़ होते हैं, ओके, उस पर्टिकुलर न्यूबॉर्न बेबीज़ का जो वेट होता है उनके ब्रेन का, वो 320 to 420 ग्राम होता है। ओके, मेजरमेंट की अगर बात करें ब्रेन की, तो इनका सजिटल और वर्टिकल, ओके, सजिटल दैट नथिंग बट अल्टीमेटली जो हम ट्रांसवर्सली जो हम कट करते हैं, जो TS वगैरह जो देते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एनीथिंग, तो सजिटल सेक्शन जो ब्रेन का होता है, यानी कि वो विड्थ की बात कर रहे हैं। ओके, एंड वर्टिकली दैट नथिंग बट लेंथ की बात चल रही है। ओके, तो 16.5 to 11.5 सेंटीमीटर इनका सजिटल एंड वर्टिकल क्या ये मेजरमेंट है। ओके, वॉल्यूम ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये नॉर्मल फ्लूइड है अल्टीमेटली जो मेनिंजेस होते हैं, जो ब्रेन को कवर किए रहते हैं, ओके, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, जो भी कुछ रहते हैं, ओके, जो कि ब्रेन को कवर करके रखते हैं, इस पर्टिकुलर मेनिंजेस, ओके, जो मेनिंजेस है जो ब्रेन को कवर करके रखे हुए हैं एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, ओके, एज अ शॉक ऑब्जॉर्बर, इन पर्टिकुलर मेनिंजेस के बीच में जो स्पेस होता है, सब अरेक्नॉइड स्पेस या फिर सब ड्यूरामेटर स्पेस, ओके, इस पर्टिकुलर स्पेस में CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड रहते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली वो फ्लूइड की मात्रा या फिर उस फ्लूइड की जो अल्टीमेटली जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज होती है। ओके, सर्टेन काइंड ऑफ इन्फेक्शन में, ओके, या फिर अदर कुछ फैक्टर है जहाँ पे क्या होता है उनके CSF में वहाँ पे चेंजेस दिखाई देते हैं। तो अल्टीमेटली नॉर्मल में पता होना चाहिए, तभी हम एबनॉर्मल को रूल आउट कर सकते हैं। ओके, तो 120 to 150 ml अल्टीमेटली ये नॉर्मल CSF का लेवल है। ओके, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी अल्टीमेटली मेनिंजेस लगे हुए रहते हैं, अगेन वहाँ पे भी जो CSF का लेवल होता है अल्टीमेटली 120 to 150 ml ये क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल का लेवल है। ओके, तो यहाँ पे ब्रेन की बात चल रही है, इसलिए अल्टीमेटली यहाँ पे ब्रेन का लेवल है। हार्ट की अगर बात करें, तो अल्टीमेटली नॉर्मल एडल्ट मेल के जो हार्ट की जो वेट होती है वो 300 to 350 ग्राम होती है। अगेन मैं रिपीट करूँगा कि ये एक मीडियम साइज इंडिविजुअल का है, हेल्थी इंडिविजुअल जो है, एक
एक पर्टिकुलर जो हेल्थी इंडिविजुअल रहेगा जो फुल्ली डेवलप्ड है और जो मीडियम साइज़ का है, ओके, ये जो डाटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग है। अभी अगर अभी के टाइम में देखोगे कि कुछ शॉर्ट स्ट्रेचर वाले कुछ पर्सन्स रहते हैं, कुछ लॉन्ग स्ट्रेचर वाले बंदे होते हैं, तो उनके जो ऑर्गन्स का जो डायमेंशन है, उनके ऑर्गन्स का जो वेट है वो वेरी हो सकता है, ओके। ये जो क्राइटेरिया है टू कंपेयर विद द अदर पर्सन, वो पर्टिकुलरली एक मीडियम साइज फुल्ली डेवलप्ड और अल्टीमेटली हेल्थी बंदे का है, ओके। तो अल्टीमेटली थोड़े से जो वेट होते हैं हमारे एडल्ट फीमेल का, ओके, कंपेरेटिवली विद मेल वो कम है, ओके। एंड पर्टिकुलर नॉर्मल जो न्यूबॉर्न जो बेबीज होते हैं उनका जो हार्ट का जो वेट होता है वो 70-30 ग्राम का रहता है। थिकनेस की अगर बात करें और सरकमफ्रेंस की अगर बात करें, आप जानते हो अल्टीमेटली कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स रहते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के जो ब्लड जाता है दैट इज़ गार्डेड बाय आवर ट्राइकस्पिड वाल्व, ओके। एंड अल्टीमेटली हमारा लेफ्ट एट्रियम से जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड जाता है वो बाइकस्पिड वाल्व से या फिर मिट्रल वाल्व से वो गार्डेड हुआ रहता है, ओके। तो अल्टीमेटली जो वाल्व है, ओके, जो वहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि पर्टिकुलर ब्लड को, मतलब लेफ्ट एट्रियम से अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर कोई ब्लड जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया ब्लड लेफ्ट एट्रियम में ना आए, उसको रोकने के लिए अल्टीमेटली वहाँ पे वल्व लगे हैं जो कि अल्टीमेटली क्या करते हैं, वो रोकते हैं, ओके, दे प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड, ओके। अल्टीमेटली यहाँ पे हो क्या रहा है, वल्व एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ओके। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द जो भी वल्व है ये आपको पता होना चाहिए, तभी इसे हम ऐसा आइडिया लगा सकते हैं कि यस, कि इस पर्टिकुलर मतलब इतने पर्टिकुलर एरिया का वहाँ पे ओपनिंग क्रिएटेड है, ओके। तो हार्ट में जो वल्व मैंने आपको बताया, ट्राइकस्पिड वल्व, बाइकस्पिड वल्व, एओर्टिक वल्व होता है, ओके, देन हमारे पास पल्मोनरी वल्व होता है। तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से अल्टीमेटली वो सिस्टमेटिक एवोटा में ब्लड जाता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमेटिक एवोटा में जाने के लिए दैट इज़ गार्डेड बाय आवर एओर्टिक वल्व, ओके। एंड राइट एटीएम से राइट वेंट्रिकल में आया हुआ ब्लड जो रहता है वो हमारे पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, और बैकवर्ड फ्लो ना हो पल्मोनरी आर्टरी से वो ब्लड अल्टीमेटली राइट वेंट्रिकल में अगेन ना आए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे वहाँ पे वल्व रहते हैं, दैट इज़ नथिंग बट आवर पल्मोनरी वल्व, ओके। तो सरकमफ्रेंस यहाँ पे बताया गया, सरकमफ्रेंस ऑफ द मिट्रल वल्व जो होता है वो 10 सेंटीमीटर है, सरकमफ्रेंस ऑफ द एओर्टिक वल्व वो 7.5 सेंटीमीटर है, सरकमफ्रेंस ऑफ द पल्मोनरी वल्व ये 8.5 सेंटीमीटर है, नियर अबाउट अगर 9 सेंटीमीटर आता है किसी बंदे का, या फिर वो समथिंग कुछ 8 सेंटीमीटर आता है या फिर 7 सेंटीमीटर आता है, तो हम वहाँ पे बोलते ना कि ऐसा अप्रॉक्स वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि वो नॉर्मल है, ओके। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द ट्राइकस्पिड वल्व, वो ट्राइकस्पिड वल्व ये मैक्सिमम दिया गया है, दैट नथिंग बट 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे थिकनेस की बात की गई है, हमारे हार्ट के जो मसल लेयर्स होते हैं, ओके, अल्टीमेटली जो हमारे चैम्बर्स हैं मेनली राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके, यही ब्लड को पंप करते हैं, यही इनका मतलब अगर पूछा जाए या फिर अगर बोला जाए कि विच चैम्बर्स ऑफ द हार्ट डूइंग द मेजर जॉब, तो अल्टीमेटली आंसर विल बी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। बिकॉज अगर ये दोनों अगर पंप नहीं करेंगे तो योर ब्लड विल नॉट बी फ्लो और योर ब्लड विल नॉट बी स्प्रेड टू ऑल ओवर द बॉडी, ओके। अंटिल एंड अनलेस आपका ब्लड अगर लंग्स में नहीं गया और वहाँ पे ऑक्सीजनेशन उसका नहीं हुआ, तो वहाँ पे वो ब्लड अल्टीमेटली डी ऑक्सीजनेट ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम में आएगा या फिर नहीं आएगा, ओके, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द बल्ब, ओके। तो अल्टीमेटली मिट्रल स्टेनोसिस को फाइंड, मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल रिगर्जिटेशन, ओके, देन जो ट्राइकस्पिड बल्ब है अभी मैंने आपको बताया उसका ट्राइकस्पिड बल्ब का रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड बल्ब का स्टेनोसिस ड्यू टू दिस पर्टिकुलर कंडीशन, ओके, यहाँ पे क्या होता है कि सरकमफ्रेंस इनका कम हो जाता है एंड ड्यू टू दैट जो ब्लड का जो नॉर्मल जो फ्लो रहता है वो भी कम हो जाता है और ब्लड अल्टीमेटली जो एओर्टा में या फिर पल्मोनरी आर्टरी में जो जाना चाहिए वो अमाउंट में नहीं जा पाता है, ओके, एंड दैट्स व्हाई जो ब्लड की जो पंपिंग एक्शन होती है वहाँ पे वो ज़्यादा पंप करना स्टार्ट कर देता है, पैल्पिटेशन वहाँ पे होना स्टार्ट हो जाती है,
जो बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर अगेन दैट इज राइज होना स्टार्ट होता है। तो अल्टीमेटली सरकमफ्रेंस की जो वैल्यू है ये हमें पता होना चाहिए। ये सरकमफ्रेंस की वैल्यू वगैरह जो होता है ये हम जो डॉपलर जो हम करते हैं 2D इको जब निकालते हैं हार्ट का, तो उसमें हमें इजीली तरीके से ही हमें फाइंड आउट मिलता है। ओके, थिकनेस की बात करते हैं हम, तो जो हार्ट जो होता है पंपिंग एक्शन के लिए वेंट्रिकल मेन रोल प्ले करते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल अल्टीमेटली ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड को पंप करेगा या फिर जो करने वाला रहेगा वो पूरा ब्लड अल्टीमेटली पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, पूरे बॉडी में वो स्प्रेड होगा, तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। एंड दैट्स वाई नेचर ने उसकी जो मसल लेयर है ना उसको बहुत थिकेंड किया है। ओके, तो उसकी जो मसल लेयर है, थिकनेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल्व जो थिकनेस है उसकी वो 1.3 to 1.5 सेंटीमीटर है, कंपेरेटिवली विद द राइट वेंट्रिकल वॉल्व वो 0.3 to 0.5 सेंटीमीटर है। ओके, जो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो हमारा 10 to 13 ml आता है। ओके, पेरिकार्डियल फ्लूइड दैट नथिंग बट जो हार्ट को, जैसे कि जितने भी इंपॉर्टेंट्स ऑर्गन है ना, लंग्स है, हार्ट है या फिर ब्रेन है, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स बताए गए। लंग्स कोलैप्स हो गया तो एस्फिक्सिया होता है, अगर हमारा पर्टिकुलरली अगर ब्रेन कोलैप्स हो गया तो अल्टीमेटली कोमा कंडीशन में चले जाते हैं, अगर हार्ट कोलैप्स हो गया तो सिंकोप अटैक आ जाता है। ओके, तो अल्टीमेटली जितने भी ये इंपॉर्टेंट्स ऑर्गन है ना, हार्ट, ब्रेन एंड लंग्स, ये तीनों इंपॉर्टेंट्स ऑर्गन एक पर्टिकुलरली मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं या फिर बाउंडेड होते हैं। जैसे ब्रेन मैंने आपको बताया मेनिंजेस से कवर होता है, ओके, मेनिंजाइटिस होता है वहाँ पे, मेनिंजियोमा होता है, अगर मेनिंजल सेल्स के लेयर में वहाँ पे अगर ट्यूमर होता है तो उनको मेनिंजियोमा बोलते हैं। मेनिंजाइटिस यानी कि मेनिंजल लेयर में अगर कोई इन्फ्लेमेशन होता है उनको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो अल्टीमेटली जो ये पर्टिकुलरली जो लेयर्स हैं जो कि या फिर एक जो कवरिंग करते हैं किसी पर्टिकुलरली ऑर्गन्स को, ओके, अगर इस लेयर में भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो उस पर्टिकुलरली जिसको बाउंड करके रखे या फिर जिसको कवर करके रखे उसको प्रॉब्लम, उसको भी प्रॉब्लम वहाँ पे फेस होना पड़ता है। ओके, तो जो लेयर है, ओके, यानी कि जो मेनिंजेस है या फिर जो पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियल जो लेयर है वो हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ रहता है, प्लूरा जो है वो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ रहता है। ओके, तो प्लूरा जो कवर करके रखा हुआ है एक लंग्स को, या फिर पेरिकार्डियम जो एक हार्ट को कवर करके रखा हुआ है, या फिर हमारा मेनिंजेस जो ब्रेन को कवर करके रखा हुआ है, तो जो ऑर्गन्स है और जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है इन दोनों के बीच में एक स्पेस रहता है, एंड दैट इज़ फिल्ड बाय आवर सम काइंड ऑफ फ्लूइड। ओके, दैट इज़ नथिंग बट पेरिकार्डियल फ्लूइड, मेनिंजल, वहाँ पे CSF रहता है। ओके, मेनिंजल फ्लूइड नहीं रहता है वहाँ पे, CSF रहता है, और हमारे प्लूरा में प्लूरल फ्लूइड रहता है। ओके, तो प्लूरा के जो विसरल प्लूरा है, जो पैराटल प्लूरा है, ओके, इन दोनों के बीच में जो प्लूरल स्पेस है उसमें प्लूरल फ्लूइड होता है। इन दैट सेम वे पेरिकार्डियम जो हार्ट को बाउंड करके रखा है, जो कवर करके रखा हुआ है ऐसा प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में, ओके, तो वहाँ पे भी सीरस पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, वहाँ पे पर्टिकुलर दो टाइप के पेरिकार्डियम कवर करके रखे हुए रहते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, ओके, यू विल नॉट पर्टिकुलरली आप उसको मतलब जब तक आप अपने आँखों से नहीं देखोगे वो चीज़ को, तब तक यू विल नॉट क्रिएट अ प्रॉपर व्यू। ओके, ये आपको हाइपोथेटिकली लगेगा, ड्यूरिंग द डाइसेक्शन ऑफ योर फर्स्ट ईयर यू हैड सीन अल्टीमेटली जो पेरिकार्डियम होता है वो हार्ट को बाउंड या फिर कवर करके रखा हुआ है, तो वहाँ पे जो लेयर हम रिमूव करते हैं ना, क्या एकदम नेचर ने किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है ना, दैट इज़ गुड। ओके, वेल एंड गुड। तो आपको कोई ट्रॉमा अगर जो मतलब सडनली किसी बंदे या फिर किसी के थ्रू, किसी सब्सटेंस के थ्रू, किसी ऑब्स्टेकल के थ्रू या फिर किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर किसी आपको अगर चेस्ट पे अगर कुछ लगता है ना, तो वहाँ पे हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पेरिकार्डियम लगा हुआ है, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको वहाँ पे प्लूरा लगा हुआ है, तो ये शॉक अब्जॉर्बर का काम करते हैं। शॉक अब्जॉर्बर का काम कैसे करेंगे, उनके अंदर प्लूरल फ्लूइड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है। ओके, तो नॉर्मल ये फ्लूइड रहते हैं, नॉर्मल अमाउंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब ये अमाउंट की जो ये फ्लूइड का अमाउंट है ना, ये सडन काइंड ऑफ कंडीशन में ये राइज होते हैं। ओके, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड का जो वॉल्यूम है नॉर्मली वो 10 to 30 ml है। इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो लेंथ ऑफ द ड्यूडेनम 30 सेंटीमीटर है,
and total length of the small intestine will is our 5.5 meter to 6.5 meter. Okay, the length of the duodenum 30 centimeter, total length of the small intestine is 5.5 to 6.5 meter in normal adult. Okay, and the and length of the large intestine is nothing but 1.5 to 1.7 meter. Okay, तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि स्टमक के बाद जो भी वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन और जो स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, जो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, द लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, दैट नथिंग बट हमारे जो डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन जो भी कुछ आते हैं, ये सभी क्या करते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम या स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन एंड सिग्मॉइड कोलॉन ये अल्टीमेटली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं. ओके, तो इनका जो नॉर्मल जो लेंथ है मैंने आपको बता दिया कि ये इनका क्या है, नॉर्मल लेंथ है. तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन को अगर हम अगर एडिशन करेंगे, ओके, तो अल्टीमेटली अप्रॉक्सीमेटली 7 मीटर इतना वो बड़ा होता है. ओके, आपने अगर बॉडी डायसेक्ट किया होगा तो वहाँ पे आपने बॉडी को देखा होगा. मैंने तो ड्यूरिंग द डायसेक्शन ऑफ द फर्स्ट ईयर, ओके, मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया था जो जो कैविटी होती है ना, एब्डोमिनल कैविटी, उस पर्टिकुलर कैविटी में बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो फोल्डिंग्स होते हैं ना उनको कवर करके रखा हुआ है. ओके, जब आप एक बार निकाल दोगे उस पर्टिकुलरली फोल्डिंग फोल्डेड किए हुए स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो वो प्रॉपरली प्लेस नहीं होते या फिर आप उनको प्रॉपरली सेटअप नहीं कर सकते हो. जैसा बॉडी ने, जैसे नेचर ने ऑर्गेनाइज किया है, जैसे नेचर ने ऑलरेडी बनाया है, ओके, बाद उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते. ओके, किडनी की अगर बात करें तो नॉर्मल जो किडनी का जो वेट होता है एक न्यूबॉर्न हेल्थी बेबी में वो 20 to 30 ग्राम का रहता है, और हमारे मेल में 150 ग्राम का रहेगा और फीमेल में 135 ग्राम का रहता है. ये जो मेज़रमेंट जो बताया गया है ये अल्टीमेटली लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट में नहीं दिया गया है, ये विड्थ, ब्रेथ एंड लेंथ में दिया गया है. ओके, तो लेंथ किडनी का कितना होता है, 11.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली रहता है. 5.5 सेंटीमीटर अल्टीमेटली ये क्या है, ये थिकनेस है किसकी, हमारे किडनी की. ओके, एंड 3.5 सेंटीमीटर इज आवर द पर्टिकुलरली विड्थ ऑफ द किडनी. ओके, लीवर की अगर बात करें, जो हमारा लीवर होता है विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. ओके, सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन हमारा बॉडी का जो रहता है वो लीवर रहता है, फर्स्ट हमारा स्किन आता है. अल्टीमेटली लीवर जो फर्स्ट और लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, आपको आप यू ऑल नो वेरी वेल. ओके, तो लीवर को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है. लीवर मेटाबॉलिज्म का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म, लिपिड का मेटाबॉलिज्म, ओके, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, सब यहीं पे होता है. डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एनी फूड्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एनी फॉरेन मटेरियल, जो भी कुछ है ये सभी यहाँ पे मतलब इनका सेग्रीगेशन होता है. ओके, तो पोर्टल वेन कैरी करता है इंटेस्टाइन में जो भी कुछ मटेरियल आता है उसको अब्जॉर्ब करने के बाद पोर्टल वहाँ पे स्प्लेनिक वेन एंड सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन में वो कन्वर्ट होते हैं. ओके, यानी कि सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन क्या करता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी कुछ मटेरियल अब्जॉर्ब हुआ है वो लेके आता है, और स्प्लेनिक वेन स्प्लीन से ब्लड को लेके आता है, और बाद में दोनों कंबाइन करके पोर्टल वेन बनते हैं, और वही पोर्टल वेन अल्टीमेटली हमारे लीवर में ओपन होता है. ओके, पोर्टल वेन अल्टीमेटली लीवर में ओपन होता है, मतलब लीवर में पूरी जगह फैल जाता है वो. ओके, रियली में वो फैलता है क्योंकि लीवर के जो सेल्स होते हैं जिन्हें हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं वो अल्टीमेटली हेक्सागोनल शेप्स के होते हैं, और उन सेल्स के बीच में साइनोसॉइड्स होते हैं. साइनोसॉइड्स मतलब वो होते हैं कि जो पोर्टल वेन जो कैरी करके जो ब्लड आया है ना उसको क्या करता है मालूम है, वो साइनोसॉइड्स में क्या करते हैं, वो ओपन कर देते हैं. ओके, और उस पर्टिकुलर साइनोसॉइड्स में जो इम्पोर्टेंट्स होगा हमारे बॉडी के लिए वो हेपेटोसाइट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. ओके, तो इतना इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म और इतना इम्पॉर्टेंट क्रिएटिविटी हमारे नेचर ने हमको क्रिएट करके दिया है ना, तो दैट इज़ सो अमेजिंग. ओके, तो अल्टीमेटली जो लीवर का जो वेट होता है वो हमारे नॉर्मल एडल्ट में वो 1400 to 1600 ग्राम है. ओके, और ये जो ब्रैकेट में जो इंडिकेटेड है अल्टीमेटली ये डिनोट करता है कि ये अल्टीमेटली एवरेज वैल्यू है. ओके, हमारे हेल्थी न्यूबॉर्न बेबी में वो 100 to 160 ग्राम का रहता है लीवर. ओके, हालांकि अगर प्रीमैच्योर बेबी होगा या फिर लो बर्थ वेट बेबी होगा तो वहाँ पे इसका जो वेट होगा ये विल बी द लेस. ओके, मेजरमेंट की अगर बात करें,
हमारे फीमेल में 1200 to 1400 ग्राम अल्टीमेटली रहता है और 1300 एवरेज वैल्यू बताया गया है। मेजरमेंट की अगर बात करें तो 20 सेंटीमीटर का लेंथ ये पर्टिकुलरली लीवर का लेंथ होगा। ये एवरेज सॉरी ये पर्टिकुलरली क्या है, नॉर्मल है। ओके, थोड़े से ऊपर नीचे होगा, प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, तो दैट विल बी नॉट इतना इम्पॉर्टेंट। ओके, तो 20 सेंटीमीटर ये क्या है, लेंथ है हमारे लीवर की। ओके, एंड अल्टीमेटली इसका ब्रेथ यानी कि थिकनेस जो है अल्टीमेटली 8 सेंटीमीटर, और 27 सेंटीमीटर क्या है इसकी हाइट बोल सकते हो या फिर इसको विड्थ बोल सकते हो। ओके, लंग्स की अगर बात करें तो राइट लंग एंड लेफ्ट लंग आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो इनके वेट्स में, और 35 to 55 ग्राम अल्टीमेटली हमारे नॉर्मल न्यू बॉर्न बेबीज में इनका वेट होता है। ओके, वॉल्यूम ऑफ द प्लूरल फ्लूड मैंने आपको बताया लेस देन 15 ml। ओके, तो ये अमाउंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वहाँ पे प्लूरल जो रबिंग वगैरह जो होता है या फिर इन्फेक्शन वगैरह के कॉज होते हैं। ओके, ईसोफिगस की अगर बात करें तो क्रिकोइड कार्टिलेज से कार्डियक स्फिंक्टर तक जो ईसोफिगस की जो लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, और जो हमारे जो टंग होते हैं टंग के टिप से लेकर कार्डियक स्फिंक्टर तक, ओके, या फिर गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन तक 40 सेंटीमीटर ईसोफिगस की लेंथ होती है। ओके, तो यू कैन अमेजिंग 40 सेंटीमीटर द लेंथ फ्रॉम द आवर टिप ऑफ द टंग टू द गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन, एंड 25 सेंटीमीटर इज नथिंग बट द फ्रॉम द क्रिकोइड कार्टिलेज विच इज प्रेजेंट बिलो टू द थायरॉयड कार्टिलेज। ओके, तो थायरॉयड कार्टिलेज के बिलो क्रिकोइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज टू द गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन, इनकी जो लेंथ होती है ईसोफेगस की वो 25 सेंटीमीटर रहता है। ओके, देन लास्टली अगर बात करें, देखिए कुछ और ऑर्गन्स की यहाँ पे बात हुई है, तो जो हमारे ओवरीज हैं फीमेल्स की जो ओवरीज होती हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 4 to 8 ग्राम की होती है इच, यहाँ पे बात की यानी लेफ्ट एंड राइट जो भी ओवरीज हैं। ओके, वो 6 ग्राम के अल्टीमेटली या फिर अप्रॉक्सीमेटली रहते हैं। मेजरमेंट की अगर बात करें तो 1 into 2 into 3 सेंटीमीटर इनकी लेंथ आप बोल सकते हो, या फिर 4.5 सेंटीमीटर की लेंथ होगी। इनका जो अल्टीमेटली जो थिकनेस है वो 2.5 सेंटीमीटर होगा, और उनका जो विड्थ होगा वो 1 सेंटीमीटर का रहेगा। ओके, इनकी हाइट भी बोल सकते हो आप। पैंक्रियास की अगर बात करें तो 60 to 100 ग्राम अल्टीमेटली ये वेट होगा इनका, 3 to 6 ग्राम बहुत ही कम वेट। ओके, पैंक्रियास का बहुत ही कम वेट न्यूबॉर्न बेबीज में देखने को मिलता है। ओके, वेट ऑफ द एंडोक्राइन पैंक्रियास 1 to 1.5 ग्राम है। एंडोक्राइन पैंक्रियास मतलब जो हॉर्मोन्स को सीक्रेट करेंगे। ओके, देन मेजरमेंट की अगर बात करें 3.8 into 4.5 into 18 सेंटीमीटर, यहाँ से आपको जाना है कि ये क्या करेगा, 18 सेंटीमीटर डिनोट द लेंथ ऑफ द पैंक्रियास, जो भी लेंथ है हेड बॉडी टेल का। ओके, हेड ऑफ द पैंक्रियास, बॉडी ऑफ द पैंक्रियास एंड टेल ऑफ द पैंक्रियास। ओके, तो टोटल जो लेंथ है हमारे पैंक्रियास की वो 18 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली दिया गया है। ओके, प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर, तो दैट इज़ नॉट बट दैट नॉट क्रिएट दैट मच डिफरेंस। ओके, 4.5 सेंटीमीटर थिकनेस है और 3.8 सेंटीमीटर क्या है इसकी हाइट या फिर आपको विड्थ बोल सकते हैं। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो वेट होता है अल्टीमेटली वो 30 ग्राम का होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है अल्टीमेटली इनका, जिन्हें हम हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, 500 मिलीग्राम बहुत ही कम वेट होता है। 500 मिलीग्राम, यू कैन अमेजिंग 500 मिलीग्राम, इतना कम वेट का कोई ग्लैंड और इतना इम्पॉर्टेंट काम करता है। ओके, तो नेचर ने कितना इम्पॉर्टेंट या फिर इतना इम्पॉर्टेंट क्रिएटिविटी हमारे माइंड को करके दिया है। ओके, प्लेसेंटा का जो वेट होता है एट टर्म यानी कि ड्यूरिंग द डिलीवरी, एट द लास्ट टाइम ऑफ द डिलीवरी, एट टर्म बेबी यानी कि जिसकी जिस पर्टिकुलर वुमेंस की जो डिलीवरी है वो 40 वीक्स या फिर मोर देन 37 वीक्स, अगर लेस देन 37 वीक होगा तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रीटर्म बोलते हैं। ओके, तो प्रीटर्म नहीं, मोर देन 37 वीक्स एंड लेस देन 42 वीक्स। ओके, ये इसके रेंज में जो वीक्स होंगे अगर यहाँ पे डिलीवरी होती है उनको हम टर्म्स डिलीवरी बोलेंगे। ओके, एंड जो बेबी डेवलप होता है उसको हम टर्म बेबी बोलते हैं। ओके, तो वेट ऑफ द टर्म, तो जो टर्म बेबी जो वहाँ पे डिलीवर होता है प्लेसेंटा जो अटैच हुआ रहता है, तो टर्म बेबी के प्लेसेंटा का जो वेट होता है वो 400 to 600 ग्राम होता है एट अ नॉर्मली। ओके, वेट की अगर बात करें प्रोस्टेट की तो प्रोस्टेट का जो वेट होता है नॉर्मली 20 ग्राम का होता है। स्प्लीन की अगर बात करें तो स्प्लीन का अल्टीमेटली जो वेट है राउंड फिगर अगर बताएगा 150 ग्राम ये रहता है,
और 6 to 14 ग्राम अल्टीमेटली क्या रहता है हमारे ये नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी में देखा जाता है। ओके, स्टमक की अगर बात करें, स्टमक का टोटल लेंथ फ्रॉम फंडस टू द आवर पाइलोरिक, ओके, 25 to 30 सेंटीमीटर का रहता है ये। और इस छोटे से स्पेस में ही अल्टीमेटली हम बहुत सारे क्वांटिटी ऑफ फूड्स को या फिर मील्स को कंज्यूम करते हैं। ओके, टेस्ट एंड एपिडिडिमाइसिस जो है 22 to 27 ग्राम का रहता है। थाइमस ग्लैंड जो है ये ग्लैंड का वेट नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी में ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली विद आवर अडल्ट में, क्योंकि थाइमस ग्लैंड जैसे ही मैच्योरिटी या फिर जैसे ही एडोलेसेंस एज में हम जाते हैं, आप जानते हो कि नंबर ऑफ स्टेजेस हैं हमारे फेसेस हैं हमारे पर्टिकुलरली लाइफ के। ओके, जब हम डिलीवर रहते हैं तो उसको हम न्यूबॉर्न्स बोलते हैं, बाद में इन्फेंट्स आता है, एक वन ईयर तक उनको इन्फेंट्स बोलते हैं, 3 ईयर तक हम टॉडलर स्टेज बोलते हैं, 3 to 6 ईयर हम प्री स्कूल एज चाइल्ड बोलते हैं, देन बाद में स्कूल एज चाइल्ड आता है, देन वहाँ पे एडोलेसेंस एज आता है, एडोलेसेंस एज 11 years to 20 years तक ये रहता है। ओके, इस एडोलेसेंस एज में ही प्यूबर्टी स्टेज आती है, जहाँ पे क्या होता है जो कि डिनोट करता है एक सेक्सुअल मैच्योरिटी को। ओके, प्यूबर्टी डिनोट द सेक्सुअल मैच्योरिटी, ना कि हमारे ग्रोथ। ओके, ग्रोथ डिनोटेड बाय आवर एडोलेसेंस। ओके, तो एडोलेसेंस जो है वो अर्ली एडोलेसेंस, मिडल एडोलेसेंस एंड लेट एडोलेसेंस जो एज बताया गया है 11 years to 20 years, ये क्या है एडोलेसेंस का एज पीरियड है। ओके, इस एज पीरियड में प्यूबर्टी एज आती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 18 years अभी बताया जा रहा है फीमेल्स में आता है। ओके, जहाँ पे सेक्सुअल मैच्योरिटी हम गेन कर सकते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए नाउ वी आर कैपेबल। ओके, मेल एंड फीमेल जो कैपेबली जो कैपेबल रहेंगे उसको डिनोट करने के लिए प्यूबर्टी एक एडोलेसेंस एज में आता है। ओके, थाइमस ग्लैंड का जो नॉर्मल जो वेट है हमारे एडल्ट में वो 5 to 10 ग्राम का है। थायरॉयड ग्लैंड जो है अल्टीमेटली वो 15 to 40 ग्राम का रहता है। ये भी एक अगेन बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है। ओके, एंड इसकी जो वेट है बहुत ही कम है, 500 मिलीग्राम जो वेट था वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का था, जिन्हें हम हाइपोफाइसिस बोलते हैं, बहुत ही छोटा वो रहता है ड्यूरिंग द डाइसेक्शन। मैंने उसको अपने नेक डाइसेक्ट से देखा था। ओके, पहली बात तो वो मिलता नहीं है, इतना छोटा सा रहता है, और जब आप देखोगे ना तो उसमें इजिली यू कैन फाइंड आउट एडेनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओके, मतलब बहुत ही छोटा सा वो स्ट्रक्चर है, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, मैंने उसका वेट वगैरह नहीं किया था, लेकिन बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर में हमने वहाँ पे निकाला था उसको। छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट होते हैं ब्रेन के डाइसेक्शन में, वहाँ पे अल्टीमेटली जो ईयर्स के जो बोन होते हैं ना, जो इंकस मैलियस जो स्टेपिस जो बोन है, बहुत ही छोटे छोटे जो बोन है, वो पहली बात तो ब्रेन के डाइसेक्शन के समय क्या होते हैं, वो उनके टाइम में क्या होता है कि वो मतलब लॉस होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, मतलब वो इधर उधर ज़्यादा वो कहीं फॉल हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। ओके, बट स्टिल हमने निकाला था उसको, एक ईयर का तो लॉस हो गया था, लेकिन दूसरे ईयर से हमने ईयर के बोन निकाले थे, एंड अल्टीमेटली हमने वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड को भी फाइंड आउट किया था। ओके, यूट्रस का जो नॉर्मल जो वेट है अल्टीमेटली ये 35 to 40 ग्राम है। ओके, ये नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में है, और पैरस वुमेन में 75 to 125 ग्राम, ये क्या है पैरस वुमेन का, यानी कि जिसने ऑलरेडी डिलीवर्ड किया है। ओके, जिसकी ऑलरेडी डिलीवरी हो गई है, जो ऑलरेडी मदर बन गई है, ओके, उनका जो यूट्रस का जो वेट होता है वो 75 to 125 ग्राम होता है। इसका भी रीज़न है क्योंकि जो उनके उनके जो एंडोमेट्रियम होती है ना, उनके एंडोमेट्रियम की ऑलरेडी प्रोलीफरेशन हुआ रहता है। हालांकि प्रोलीफरेशन डी जनरेशन उसका हो जाता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट स्टिल ऑल सेल इज नॉट अंडरगो और नॉट गोइंग अंडर इन द डी जनरेशन स्टेज। ओके, देयर आर सम ग्लैंडुलर जो सेल्स होते हैं, जो स्टोमल सेल होते हैं, वो ऑलरेडी वहाँ पे वो रहते हैं। ओके, एंड दैट्स वाई उनके वजह से उनका वेट बढ़ जाता है, दैट्स वाई वहाँ पे क्या है पैरस वुमेन का जो वेट होता है यूट्रस का वो 75 to 125 ग्राम रहता है। ओके, और हमारे नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के जो वेट होते हैं यूट्रस की वो 35 to 40 ग्राम का रहता है। ओके, तो जस्ट यहाँ पे मैंने एक इनशॉट एक पर्टिकुलरली नॉर्मल आपको मेजरमेंट बताया, नॉर्मल वेट्स एंड मेजरमेंट ऑफ द नॉर्मल ऑर्गन्स। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग फॉर टुडेज क्लास गाइस। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी काइंड ऑफ क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।